हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में डे सेमेस्टर। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं NBCC इंडिया लिमिटेड का। काफ़ी बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है कंपनी को, तो उसके लेके जो खबर चल रही है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल का क्विक अपडेट लेंगे और चार्ट पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों, क्योंकि अभी तक इस कंपनी के भी क्वार्टर फोर के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो उसका भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि रिजल्ट आने के बाद इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इंक्रीज करनी है रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि अभी पिछला थ्री मंथ कैसा कंपनी ने कमाया है। उम्मीद तो अच्छी है क्योंकि यहाँ पे कोई बंद नहीं था, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं था, तो कंपनी ने अपना जो फुल कैपेसिटी से परफॉर्म किया होगा, फुल पोटेंशियल से वर्क किया होगा कंपनी ने। अब लेट्स सी कैसे इसके रिजल्ट आते हैं और जानेंगे इस वीडियो में कि अभी कैसी इसकी कंडीशन है, फंडामेंटली कैसा दिखता है, चार्ट पे क्या नजर आ रहा है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो अभी न्यूज चला है, काफी बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, उसको जानते हुए तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चाहे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम लोगों के दो चैनल है, एक शेयर मार्केट से रिलेटेड, एक क्रिप्टो करेंसी का। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर से चेकआउट करिए। आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं दोस्तों, वहां पे भी और यहाँ पे भी, और आपके जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो सबसे पहले पूछे जाएंगे। तो NBCC का जो अभी हम बात करें, 39.75 रुपीज के अराउंड कंपनी ट्रेड कर रही है। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करती है। अर्निंग पर शेयर 1.5 की चल रही है। देखिए दोस्तों, क्योंकि इंडस्ट्रियल सर्विसेज में आता है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का फील्ड, तो इस कंपनी को बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर जो हैं, मतलब इसका छोटा मोटा ऑर्डर नहीं लेती है कंपनी, बड़े ऑर्डर ही होते हैं, जैसे कि 500 करोड़, 600 करोड़, 900 करोड़, 2000 करोड़। अभी जो करंटली इसको एक ऑर्डर हाथ मिला है वो है दोस्तों, करंटली जो न्यूज आई है वो है 981 करोड़ का ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, जो कि काफी बड़ी बात है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि इसमें जो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स है कंपनी में, वो 61.75% है, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में है। कभी भी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि कभी बंद नहीं होगी, अच्छी खासी इसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग्स आ जाती है। उसके बाद इसमें आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट अच्छी रहने वाली है। क्योंकि इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन फील्ड से आती है, तो दोस्तों इस तरीके के जो ऑर्डर हैं कंपनी को लगातार मिलते रहते हैं। जैसे कि आप इसकी पुरानी न्यूज भी अगर आप सर्च करेंगे, तो आपको इसको बहुत सारे जो ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, वही आपको देखने को मिलेगा कि लगातार कंपनी को कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट ऑर्डर मिलता रहता है। जैसे कि अभी 129 मिलियन का था, फिर उससे पहले टैब बिल्डर के वजह से वहां से भी उत्तर प्रदेश में भी ऑर्डर मिला था 5 मिलियन का। फिर उससे पहले कंपनी ने ऑर्डर सक्सेसफुली सिक्योर किया था 66 मिलियन डॉलर का US में, US की करेंसी में मतलब। और उसी तरीके से पहले की भी एक जो फरवरी में इसको मिला था एक, वो 14 मिलियन का था। तो इस हिसाब से दोस्तों कंपनी को बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, पर क्योंकि खर्चे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में बिल्ड करने से, तो इनका जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है दोस्तों, एक सेकंड मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वहां से बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। वो जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो कंपनी को बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मिल पाता। अब देखिए, जैसे कि इसने तिमाही में, अगर हम दिसंबर का रिजल्ट देखें इसका, 3 महीने का सितंबर से दिसंबर का परफॉर्म किया कंपनी ने, कंपनी ने जो अपना बिक्री और अपनी सर्विसेज, अपना इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में वर्क दिया, वहां पे कंपनी ने पूरा जो सेल किया है 1509 करोड़ का, कंपनी ने खर्च कर दिया है उस जगह पे 1453 करोड़ का। तो काफी बड़े खर्चे भी आ जाते हैं, क्योंकि अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने में आपको पता ही हर चीज महंगी है। तो इस वजह से इनका जो प्रॉफिट का मार्जिन है दोस्तों कंपनी का, पर्टिकुलरली इस कंपनी का इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करती है, इनका बहुत कम आता है। अब जैसे 4% ही आया था दिसंबर में, तो इस हिसाब से रहता है। अब इसका यह बात नहीं है कि कंपनी को तो अच्छे खासे ऑर्डर हमेशा मिलते रहते हैं, जैसे कि आपको मैंने अभी बहुत सारे पुराने ऑर्डर भी दिखाए मैंने इस वाले पेज पे, ये देखिए यहां पे मैंने आपको जैसे कि ओल्ड इसके ऑर्डर भी दिखाए बहुत सारे, कहां चला गया ये सभी ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 7 दिन पहले, 1 महीने पहले,
इस तरीके से इस कंपनी को ऑर्डर बहुत सारे मिलते रहते हैं, पर क्योंकि खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं किसी चीज को बिल्ड करने पे, ब्रिज कुछ भी बिल्ड कर रही है कंपनी, तो उस वजह से खर्चे भी ज्यादा होते हैं, तो इसलिए जो इनका प्रॉफिट का मार्जिन है वो बहुत कम आता है। इसीलिए जो कंपनी का मेन रूप से परफॉर्मेंस है वो हमको काफी स्लोली स्टेडली ग्रोथ करने को देता है। अब जैसे इसके कंपटीटर की बात करें, जैसे DLF का बात कर लेते हैं हम, तो इसमें भी दिखेगा आपको, क्योंकि ये शेयर बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है, इसमें आप देखेंगे इस कंपनी को प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बहुत बड़े स्तर पे मिलता हुआ दिखाई देगा, 34%, 31%, 35%। तो इस वजह से ये सभी कंपनियां ज्यादा तगड़ा परफॉर्म करेंगी बजाय NBCC के। अब NBCC का क्या है दोस्तों, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर आता है तो गवर्नमेंट रिलेटेड इसको प्रोजेक्ट मिलते हैं, मतलब गवर्नमेंट अपने ही बहुत सारे जो डेवलपमेंट के, इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पर कंपनी आपको पता ही है बड़ी मात्रा में जब एक्सपेंसेस खर्चे करेगी वहां पे प्रॉफिट का मार्जिन कम बनता है, क्योंकि इनका जो पर्सेस होता है वो अपनी इंडियन सिविलियंस को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का, जैसे ब्रिज हो गया, रोड हो गया, इन सभी का जब प्रोजेक्ट मिलता है तो अच्छी फैसिलिटीज पे ध्यान देते हैं। इनका प्रॉफिट का जो मार्जिन होता है ये प्रॉफिट पे ये कंपनी कम ध्यान देती है बजाय जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो जाहिर सी बात है उनका स्लोली पर यही होता ही है मोटिव कि हमको प्रॉफिट कमाना है, तो उस वजह से उन कंपनियों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बड़ी मात्रा में होता है और इसी वजह से वो शेयर ज्यादा बड़ी रैली दिखाते हुए दिखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब इसको बहुत टाइम पहले डिस्कस किया था तब शेयर हम लोगों को काफी नीचे देखने को मिलता था, 170-150 रुपीज के अराउंड, और अभी करंटली 380 रुपीज प्लस ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे DLF की बात कर रहा हूँ जो कि काफी बड़ी बड़ी LDA की बिल्डिंग है और ये सब कंपनियां बनाती हैं, तो उसमें आ जाता है रियल एस्टेट डेवलपमेंट में। तो अभी फिलहाल हम लोग जैसे कि NBCC का बात कर रहे थे, तो इसके चार्ट पे अपडेट करूं मैं आपको, तो दोस्तों कंपनी को जो सपोर्ट है वो 36.30 रुपीज पे मिलता है, बाई करने का जो जोन है वो 38.10 रुपीज के अराउंड से दिखता है। आपको मैं इसमें कहूंगा कि लॉन्ग व्यू को ही देखते हुए बाई करिए, क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफी अच्छा यहां पे सेटल हो चुका है, रिजल्ट आने के बाद इसमें मूवमेंट काफी बेहतरीन होने वाली है। तो पहला टारगेट 48 रुपीज का होगा, उसके बाद हम लोगों को 52.10 रुपीज के ब्रेकआउट का भी वेट है, एक बार ब्रेकआउट मिलता है दोस्तों तो हम लोग यहां से और बड़ी रैली देख पाएंगे जो कि हम लोगों को बहुत ऊपर ऊपर के टारगेट दिखाएगा। फिलहाल जो बताया जा रहा है Q4 रिजल्ट की डेट वो 27 मई तक की है, तो फिलहाल यही अपडेट हो जाएगा NBCC पे। इसका ये मतलब है दोस्तों क्योंकि इसका प्रॉफिट मार्जिन कम है तो स्लोली स्टेडली शेयर जो है ये ज्यादा ग्रोथ करेंगे, और आप इसमें ऐसा नहीं है कि ये कंपनी कभी डूब जाएगी या बंद हो जाएगी। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि DLF जो लिमिटेड है वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी मार्केट कैपिटल है कि कभी 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 भी इस कंपनी को भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपटीटर है अपने इंडिया में, इंडियन में इस मार्केट को लेके जहाँ पे इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का सवाल आता है। तो फिलहाल यही NBCC पे अपडेट होगा, क्योंकि इसको काफी अच्छा ऑर्डर मिला था तो मैं सोचा आप लोगों को जरूर से अपडेट करूं क्योंकि बहुत अच्छी खबर थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट समय के साथ नेक्स्ट।